आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव इस बार जो क्षेत्र है उनमें बट गया है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि लगातार जो राजनीतिक दल है वो कभी पश्चिम और कभी पूरब यहां पर फोकस करने में लगे हुए हैं, और इस बार तो सबसे ज्यादा फोकस करने का अगर एक कोई कोण उत्तर प्रदेश का बचा हुआ है तो वो है पूरब का। लगातार पूरब को समेटने, पूरब को सजाने, पूरब को सवारने में उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार और इसके साथ विपक्ष वहां पर चीजों को निकाल करके उत्तर प्रदेश के चुनाव में खुद को मजबूती से उतारने में लगी हुई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि दो तीन दिन पहले बलरामपुर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे जो कि पूर्वांचल का ही हिस्सा है, और वहां पर जो सरयू नहर परियोजना है उसकी उन्होंने शुरुआत की थी जिससे किसानों को काफी लाभ पहुंचेगा, ऐसा उनका कहना था, ऐसा सरकार का कहना है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे थे जहां पर उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। उस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना भी की और बनारस की जनता को संबोधित करते हुए ये कहा कि यहां पर किसी की सरकार नहीं चलती है, यहां सिर्फ बाबा विश्वनाथ की सरकार चलती है। और मैं लगातार, हमारी सरकार लगातार, प्रदेश सरकार लगातार बनारस वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को विकास के राह पर लाने में लगे हुए हैं। हम बहुत जल्द उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना देंगे, काफी हद तक बना भी दिया है। 164 सीटें हैं विधानसभा की इस पूर्वांचल में यूपी के, और करीब 33%, अगर प्रतिशत के भाग से देखें तो करीब 33% भाग विधानसभा सीटों का ये पूर्वांचल का हिस्सा माना जाता है। अहम बात यह है कि 2017 के चुनाव में और उसके पहले के भी ज्यादातर चुनाव में बीजेपी को यहां से काफी कुछ सपोर्ट मिला है। 2017 के चुनाव में भी बीजेपी को काफी कुछ यहां से सपोर्ट मिला था और उसी की उम्मीद एक बार फिर से बीजेपी को बनी हुई है कि इस बार फिर से जो राजनीतिक दल हैं, छोटी पार्टियां हैं इन क्षेत्रों की, इसके अलावा विकास के नाम पर जनता के बीच जाएंगे और कोशिश करेंगे कि फिर से पूर्वांचल फतेह किया जाए पिछली बार की तरह। एक और अहम चीज यह है कि उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो पश्चिम के रहे हैं, लेकिन पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रूप में पूर्वांचल का कोई चेहरा उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने बेहतर काम किया, ऐसा कि रिपोर्ट कार्ड बताते हैं, ऐसा सरकार बताती है। लेकिन अब विपक्षियों के सामने भी समस्याएं खड़ी हो रही थी, क्योंकि जैसा कि चुनावों के दौरान शुरुआत में देखा गया कि समाजवादी पार्टी में जो छोटे राजनीतिक दल हैं वो लगातार जुड़ रहे थे, चाहे ओम प्रकाश राजभर की बात कर ली जाए, महान दल की बात कर ली जाए, ये जो छोटे राजनीतिक दल हैं लगातार समाजवादी पार्टी में जुड़ रहे थे और ये अनुमान लगाया जाने लग गया था कि सपा यहां से काफी मजबूत हो जाएगी पूर्वांचल के उस हिस्से में, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है वो पूर्वांचल में काफी मजबूत है, राजभर वोट काफी मजबूत है। और ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरह से जब अखिलेश यादव के वो साथ आए तो उन्होंने इस बात को भी कह दिया था कि इस बार उत्तर प्रदेश से बीजेपी को खदेड़ने का काम हम सब मिलकर करेंगे और खदेड़ भी देंगे। समाजवादी पार्टी की भी ताकत बढ़ गई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से एकाएक बीजेपी ने पूर्वांचल पर फोकस कर दिया और पूर्वांचल में कई सारे राजनीतिक कार्यक्रम, रैलियां, उद्घाटन, शिलान्यास, ये सारे जो कार्यक्रम हो रहे हैं, इन कार्यक्रमों से कहीं ना कहीं समस्याएं एक बार फिर से विपक्ष के सामने खड़ी हो गई थी। इसका तोड़ निकालना जरूरी था। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर का एक राजनीतिक परिवार, तिवारी परिवार, हरिशंकर तिवारी परिवार, उसे कल समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलवा दी, जिसमें भीष्म शंकर शुक्ला, कुशल तिवारी शामिल हैं, जिसमें विनय शंकर तिवारी शामिल हैं, ये सब बसपाई थे और अब ये सपाई हो गए हैं। गोरखपुर में बेहतर वोट परसेंटेज के लिए, अच्छी राजनीति, मजबूत राजनीति के लिए हरिशंकर तिवारी पहचाने जाते रहे और अब हरिशंकर तिवारी का जो परिवार है वो समाजवादी पार्टी में आ गया है। तो लगातार पूर्वांचल को समेटने, सजाने, संवारने की कोशिश जो है वो चल रही है। इसके अलावा एक भागीदारी संकल्प मोर्चा भी बना है कुछ 8-9 राजनीतिक दलों का, जिनका गठबंधन जो है वो बीजेपी के साथ हुआ है और बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी
और इस गठबंधन की, इस भागीदारी संकल्प मोर्चा की एक संयुक्त रैली भी हुई थी, जहां पर बड़ी संख्या में जो जनता थी वो इकट्ठा हुई थी, और वहां पर भी यही संकल्प किया गया था कि इस बार भी पिछली वाली जीत को दोहराना है, उससे बड़ा कुछ आंकड़ा इस बार भी हासिल करेंगे 325 वाला। और इस दृढ़ संकल्प के साथ ये भागीदारी मोर्चा जो है वो बीजेपी के साथ हो गया था। अहम बात यह है कि ये भागीदारी मोर्चा वही मोर्चा है जो कभी ओम प्रकाश राजभर, जो कि अब समाजवादी पार्टी के साथ हैं, सुभाषपा उनके साथ हुआ करता था, लेकिन अब वो खेमा अलग हो गया है और अब वो बीजेपी के साथ हो गया है। तो एक तरफ समाजवादी पार्टी भी छोटे दलों को समेटने में लगी है, बीजेपी के पास भी कई सारे छोटे दल जो हैं वो अब आ चुके हैं। छोटे दलों का मतलब ये है कि वो जात के नाम पर अपनी पार्टियां बनाते हैं, वो क्षेत्र के विकास के नाम पर बनाते हैं, वो क्षेत्र की समस्याओं के नाम पर बनाते हैं, वो जनता की समस्याओं के नाम पर राजनीतिक दल बनाते हैं, और बड़ी पार्टियों के साथ जब उनका गठबंधन हो जाता है तो उम्मीद यही उस क्षेत्र की जनता, उस जात की जनता का रहता है कि अब हमारा विकास बेहतर तरीके से होगा। तो इस बार पूर्वांचल की ज्यादातर जो छोटी पार्टियां हैं कुछ समाजवादी पार्टी के साथ चली गई हैं, जिसमें सुभाषपा बड़ा नाम है, और दूसरी तरफ बीजेपी के साथ भागीदारी मोर्चा जैसे राजनीतिक जो संगठन है, राजनीतिक मोर्चे हैं, वो जुड़ गए हैं, जिसमें 8-9 राजनीतिक दल शामिल हैं। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का चुनाव है वो कहीं ना कहीं पश्चिम और पूर्वांचल में इस बार खुद को समेटने में लगा हुआ है। पश्चिम में जहां किसान नाराज हैं तो वहां पर भी किसानों को मनाने की कोशिश के लिए किसान बिल को वापस लिया गया, किसानों का जो प्रदर्शन था वो स्थगित हुआ, और ऐसा लग रहा है कि अब बीजेपी के जो कदम उठाए गए हैं उससे जो नाराज किसान है उनकी नाराजगी काफी हद तक कम हो जाएगी। और दूसरी तरफ हमारा पूरब, जहां से कोशिश सरकार की यही है, जहां से कोशिश यही है बीजेपी की भी, अन्य राजनीतिक दलों की भी, कि छोटे छोटे दलों को जोड़ा जाए और कोशिश यही की जाए कि इस बार वहां पे काफी कुछ बदलाव किया जाए और पूर्वांचल को भी समेटने में जो विपक्षी दल हैं वो लगे हुए हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज काशी को काफी कुछ सौगातें दी हैं, और इसके अलावा पूर्वांचल राजनीतिक दलों के लिए कितना अहम है, कितना मजबूत भारतीय जनता पार्टी वहां से अपने आप को महसूस कर रही है, छोटे दलों में किस तरह से उत्सुकता है कि इस बार का ये जो चुनाव है ये तख्ता पलट का चुनाव होगा या एक बार फिर से इतिहास दोहराया जाएगा या फिर कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि हर वक्त हर समय पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ ना कुछ बदल रहा है, क्योंकि इस बार एक बहुत ही बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए होगा, क्योंकि यहां से कुछ राजनीतिक दलों की किस्मत बदल जाएगी और कुछ की किस्मत जो है वो धुंधली हो जाएगी। कुछ बयान सुनिए और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज तो इस चीर चैतन्य काशी की चेतना में एक अलग ही स्पंदन है। आज आदि काशी की अलौकिकता में एक अलग ही आभा है। आज शाश्वत बनारस के संकल्पों में एक अलग ही सामर्थ्य दिख रहा है। हमने शास्त्रों में सुना है, जब भी कोई पुण्य अवसर होता है तो सारे तीर्थ, सारी देवीय शक्तियां बनारस में बाबा के पास उपस्थित हो जाती है। ऐसा लग रहा है कि हमारा पूरा चेतन ब्रह्मांड इससे जुड़ा हुआ है। वैसे तो अपनी माया का विस्तार बाबा ही जाने, इससे भी ज्यादा लोग हमें आज अपने पार्टी कार्यालय में दिखाई दे रहे हैं। पूरा पार्टी कार्यालय भरा हुआ है, कहीं जगह खाली नहीं है। सड़क पे भी लोग हैं जो आ नहीं सकते थे अंदर। हमें तो ये डर लगता है कि बुलडोजर सरकार कहीं इधर न देख ले पार्टी कार्यालय की तरफ। अंग्रेज अगर डिवाइड एंड रूल करके राज कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी डरा करके मार करके राज करना चाहती है, लेकिन जनता समझ गई है आने वाले समय में यही जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगी। उसमें से अगर कमी निकालने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और हमारे मुख्यमंत्री तो कमाल के मुख्यमंत्री हैं, अभी तक बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए हैं और बार बार अखबारों में ये छपवा देते हैं
कि बहुत जल्दी आपको टैबलेट मिलने वाली है। जो 4.5 साल से टैबलेट टैबलेट बोल बोल करके अभी तक टैबलेट नहीं दे पाई, जो जनता के बीच में संकल्प रखा था कि जनता का भरोसा जीतने के लिए, जनता का विश्वास जीतने के लिए, लेकिन सरकार आने के बाद उन्होंने अपना घोषणा पत्र संकल्प पत्र खोल करके नहीं देखा। तो आज बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, वहां पर उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया, पूजा अर्चना की और जनता को संबोधित किया। प्रयास बीजेपी की तरफ से यही है कि ये जो पूर्वांचल का हिस्सा है उत्तर प्रदेश का, जहां पर बीजेपी हमेशा ही मजबूत रही है, इस बार का विधानसभा चुनाव जो है इस बार भी वहां पर अपनी मजबूती दिखाई जाए, वहां की जो समस्याएं उन समस्याओं का निराकरण ढूंढा जाए, जनता के बीच जाया जाए, और उसी पर काम भी हो रहा है। प्रधानमंत्री आज बनारस में थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनारस में थे, उत्तर प्रदेश सरकार का राजनीतिक हमला आज बनारस में था, और दूसरी तरफ जो विपक्षी दल हैं, समाजवादी पार्टी की बात करें क्योंकि मुख्य विपक्षी दल वही हैं, और लगातार उनकी पार्टी में जो छोटे दल हैं उनका जुड़ना चल रहा है, बदस्तूर जारी है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की बात कर ली जाए या फिर अन्य राजनीतिक दलों की बात कर ली जाए, उसका तोड़ भी बीजेपी ने काफ़ी हद तक ढूंढा है। कई राजनीतिक दल जो हैं वो बीजेपी के साथ आए हैं, हिस्सेदारी मोर्चा जिसके 8 राजनीतिक दल जो हैं वो बीजेपी के साथ आए हैं, और ये वो राजनीतिक दल हैं जो कभी ओम प्रकाश राजभर के साथ हुआ करते थे, लेकिन अब ये अलग हो गए हैं और अब ये बीजेपी के साथ फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ आ चुके हैं कि 22 में किस तरह से विपक्षियों को हटाना है। तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अहम विधानसभा चुनाव, और सभी राजनीतिक दलों को ये पता है कि कैसे इस चुनाव में जनता के बीच जाना है, किन मुद्दों को लेकर जाना है, बीती सरकारों की कौन सी कमियां जो हैं वो गिनानी हैं, बीती सरकारों ने क्या नहीं किया था वो बताना है, और विपक्ष भी पूरी तरह से जानता है कि आखिर बीते 4.5 साल 5 साल में मौजूदा सरकार ने क्या काम किया, कितना काम किया, कैसे काम किया, किसकी अनदेखी हुई, किसकी अनदेखी नहीं हुई, इन सब को लेकर जो रणनीतियां हैं वो लगभग तय हैं, तैयार हैं, और इन्हीं रणनीतियों को लेकर के जो विपक्षी दल हैं वो मैदान में उतरी हुई हैं, दूसरी तरफ सत्ता दल भी मैदान में उतरे हुए हैं। इस पूरी परियोजना में जिन लोगों ने काम किया था, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे भी मुलाकात उन्होंने की, उनके साथ खाना खाया, और कहीं ना कहीं पूरी कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से थी कि काशी की जनता को भरोसा दिलाया जाए कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी के ऊपर भरोसा करे वो जनता और उत्तर प्रदेश में बीजेपी फतेह होए। तो ये लगातार कोशिशें जो हैं वो मौजूदा सत्ता दल की तरफ से भी चल रही हैं और दूसरी तरफ विपक्षी दलों की तरफ से, क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार उत्तर प्रदेश का जो पूर्व का हिस्सा है इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए बहुत अहम हो गया है। लगातार जो छोटे दल हैं वो बड़े राजनीतिक दलों को ढूंढ रहे हैं, उनका साथ उनको चाहिए, बहुत ज़रूरी है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा की बात कर ली जाए। सुभाषपा ने समाजवादी पार्टी में अपना घर ढूंढ लिया, पहले बीजेपी के साथ वो थे, अब वो समाजवादी पार्टी के साथ आ गए हैं, और अब उनकी पूरी कोशिश यही है कि 2022 में किसी भी तरह से बीजेपी को खदेड़ा जाए, और बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कुछ भी कर लो हम फिर से 2017 वाला इतिहास दोहराएंगे। तो इस महत्वपूर्ण चर्चा पर हमारे साथ जो मेहमान हैं वो जुड़ चुके हैं, हम उनसे आपको तारुफ कराते हैं और उसके बाद इस डिबेट को शुरू करेंगे। अनिता अग्रवाल जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, इसके अलावा सिद्धार्थ राजभर हमारे साथ SBSP से जुड़े हुए हैं, गौरव श्रीवास्तव जी हमारे सहयोगी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा कुंवर अजय सिंह हैं शोषित समाज पार्टी से जो कि बीजेपी के साथ इस वक्त आ गई है। आप सभी मेहमानों का आज की डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। कुछ और भी मेहमान जो है वह भी हमसे जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं अनिता अग्रवाल जी आपके पास आना चाहूंगा। अनिता अग्रवाल जी, आज प्रधानमंत्री जी बनारस थे, उन्होंने वहां पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया, सब कुछ बेहतर चल रहा है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि चुनाव के दौरान जब काशी विश्वनाथ का काम भी पूरा नहीं हुआ उस दौरान उद्घाटन कर देना, ये कहीं ना कहीं जनता के साथ छलावा है, ये आरोप जो है विपक्ष की तरफ से अभी से लगने लग गए हैं, क्या कहेंगे इस पे? नितिन जी,
नितिन जी, हम एक चीज पूछना चाहते हैं, चुनाव के जाके प्रधानमंत्री का चुनाव तो अभी हो नहीं रहा जी, बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि काशी की आप देखिए उसकी दशा और दिशा कितनी चेंज हो गई है जी। आज काशी क्या लगता है, हम तो खुद काशी पहले भी गए हैं, जो एक गलियों वाला काशी कहा जाता था अब वो बड़ी सड़कों वाला काशी है। आज जो उन्होंने ओपनिंग की है वो देखने लायक है, और आज काशी को हर व्यक्ति देखना चाहता है। इन्होंने गंगा के लिए भी कहा था, और वही गंगा का आचमन कांग्रेस के वेंगा ने किया था, वहाँ पे क्रूज अलग से हो गया है। आज वाराणसी की काशी की बिल्कुल दशा और दिशा चेंज हो चुके प्रधानमंत्री आने के बाद। जब से प्रधानमंत्री आए हैं उन्होंने अपने क्षेत्र पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया और पूरे देश पे भी ध्यान दिया, लेकिन आज उन्होंने क्षेत्र की जो दिखाया है कि कोई भी अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो आप कुछ कर सकते हैं। उनके इरादे मजबूत थे और उस इरादों का नतीजा काशी में दिख रहा है कि कितने इरादे मजबूत है। लेकिन विपक्ष का तो केवल एक काम है कि किसी तरीके मोदी जी का विरोध करते जाओ करते जाओ कर। उन्होंने कभी प्रशंसा सीखी ही नहीं है, क्योंकि वो सत्ता में रहना है। उन्होंने विपक्ष को काम केवल विरोध करना नहीं होता, विपक्ष का काम जो सराहना भी होता है, अगर अच्छा कार्य हो तो उसको सराहा भी जाता है। इनको ये सोचना चाहिए कि जो अच्छा कार्य है उसको तो सराहा जाए। अब उसमें भी कानून निकालते हैं, ये राम मंदिर में भी निकाल रहे हैं, ये काशी में भी है। ये लोग आप लोग की तरफ से, आप लोग की तरफ से मंदिरों से एलर्जी क्यों है? मैं तो कह रही हूं विपक्ष को क्यों एलर्जी है? ठीक है अनीता जी, उनको कम से कम ये तो देखना चाहिए हमारा काशी जो है शिव जी का एक स्थान है, इतना भव्य बन गया, उसका स्वागत करना चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। अच्छा, ये विपक्ष वाले ये भी कह रहे हैं कि आप लोग जो राशन बांट रहे हैं उसमें भी घोटाला कर देंगे। देखिए, जो घोटाला खुद किए हुए है ना उनको यही दिखता है, कहते ना चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, ये बात बिल्कुल सच है। खुद घोटाले किए हुए हैं उनको लगता है, लेकिन हम तो जनता पे भी, जनता को हम पे भरोसा है, हमें जनता पे भरोसा है। विपक्ष क्या कहता है क्या नहीं कहते है? जनता अपने आप जवाब देगी इनको, बहुत दूर नहीं है जवाब देना, जनता इनको बहुत जल्दी जवाब देगी। अच्छा ठीक है, मैं एक चीज और पूछना चाह रहा था कि ये जो पूर्वांचल का हिस्सा है इस पर सबसे ज्यादा फोकस जो है वो विपक्ष ने भी किया हुआ है। कल गोरखपुर का एक बड़ा राजनीतिक परिवार जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ आ गया है, तो क्या इससे कुछ नुकसान होगा आप लोगों को, कुछ ऐसा लग रहा है? देखिए, जहां तक आप कह रहे पूर्वांचल हो चाहे पश्चिमांचल हो चाहे मध्यांचल हो, कोई भी हो, उत्तर प्रदेश में हमने काम किया है, निचले स्तर तक काम किया है, अंत्योदय को लेकर काम किया है, इसलिए ये जनता जान रही है, जनता कर रही है। और ये चुनाव समय में बहुत से ऐसे चुनाव आता है तो कुछ लोग इधर जाते हैं कुछ लोग उधर जाते हैं, ये जनता को भरमा नहीं सकती चीजें। ठीक है मैम, ठीक है मैं आता हूँ आपके पास। हमारे पास इस वक्त कुंवर अजय सिंह हैं। अजय जी, उत्तर प्रदेश का चुनाव है और जो छोटे राजनीतिक दल है वो लगातार अलग अलग राजनीतिक दलों में जा रहे हैं, गठबंधन हो रहा है, आप लोग भी बीजेपी के साथ गए हुए हैं, लेकिन एक रैली होने वाली है आने वाली 17 तारीख को राजधानी लखनऊ में, अमित शाह जी उसमें मौजूद रहेंगे, और ये कहा जा रहा है कि निषाद समाज के लिए आरक्षण की बात को भी कहीं ना कहीं वहां से उठाया जा सकता है। आप लोग भी ओबीसी से हैं, ओबीसी वर्ग की पार्टियां हैं जो इस हिस्सेदारी मोर्चे में आती हैं और ये बीजेपी के साथ हैं, तो ये जो ओबीसी वर्ग है ये पश्चिम में और पूरब में बहुत ज्यादा है, क्या वहां के लोगों के लिए, क्योंकि वहीं पर आप लोगों के राजनीतिक दल जो है वो मजबूत भी हैं, चाहे हम SBSP की बात कर लें, आपके पुराने साथी ओम प्रकाश राजभर, या फिर आप लोगों की बात कर लें, तो क्या वहां की जनता के लिए पूरब इस बार क्या निकलने वाला है, पूरब के लिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और इस बार किस फोकस के साथ, किस तैयारी के साथ आप लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव में आएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत से, यानी पिछले चुनाव से भी ज्यादा बहुमत से इस बार सरकार बनाने जा रही है। रही बात इन छोटी छोटी पार्टियों की, तो जहां तक अगर कहा जाए तो ये पार्टियां, जो भी पार्टियां हैं ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं कुछ। अच्छा, जो बाप अगर अध्यक्ष है तो बेटा कोषा अध्यक्ष है, बाबा उसका महासचिव है। किसके लिए कह रहे हैं आप? हम इन छोटी पार्टियों की बात कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियों की बात कर रहे हैं। अब विपक्षी पार्टियां कौन हैं? आप माननीय अखिलेश जी को ही ले लीजिए, सपा में मुलायम सिंह एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड हम सपा को कह सकते हैं।
मुलायम सिंह एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड हम कह सकते हैं इस पार्टी को, क्योंकि क्या सपा में लोकतंत्र है कहीं? अच्छा, अखिलेश जी के बात को काटने वाला है कहीं? चुनाव अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है? तो इतना अच्छा जब नहीं है तो कैसे आपके पुराने साथी ओम प्रकाश राजभर उसमें चले गए? ये देखिए, अब हम राजभर जी की जो भी बात है, राजभर जी तो बात बहादुर हैं, उन्हें केवल अपनी बातों से ही काम चलाना है, और उत्तर प्रदेश में केवल उनकी बातें ही लोग सुनते हैं। अभी उनके सहयोगी दल के महान दल के नेता ने उनको जोकर कहा था, जो कि सर्वविदित है, तो बात बहादुर हैं, वो अपने बातों से कुछ भी कह सकते हैं। अभी वो पुलिस को न्याय दिलाने की बात कर रहे थे। हम ये बताना चाहते हैं कि 89 में मुलायम सिंह ने पुलिस यूनियन नहीं दिया, 2012 में अखिलेश यादव ने नहीं दिया, और मुलायम अखिलेश यादव के गोद में बैठ करके माननीय राजभर जी पुलिस के अधिकारों को कैसे दिला सकते हैं? तो चूंकि ये लोग बात बहादुर हैं, कुछ भी राजभर बीजेपी से अलग ही इसीलिए हुए थे, उनका ये कहना था कि छात्रों को वजीफा नहीं मिल रहा है, उनको आरक्षण की जो बातचीत चल रही थी वो भी सही तरीके से नहीं हो पाई, इसी वजह से बीजेपी से अलग हो गए, आप लोग बीजेपी के साथ चले गए। हमने आपसे यही बताया कि ये जो छोटी 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 पार्टियां हैं जिसमें बाप अध्यक्ष और बेटा उपाध्यक्ष और बहन कोषाध्यक्ष और समधि महाध्यक्ष और उनके अन्य रिश्तेदार उपाध्यक्ष महासचिव सब हैं, तो ये पारिवारिक कंपनियां हैं, किसी समाज की नहीं है। अच्छा, आप अगर किसी जात से ही, किसी भी जात से ले लो, क्या यादव कुल में अखिलेश से अच्छे नेता नहीं है? क्या राजभर कुल में ओम प्रकाश जी से अच्छा नेता कोई नहीं है? एक से एक राजभर परिवार में भी अच्छे अच्छे लोग हैं और यादव कुल में भी अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन जो इनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, नुकसान होगा कि नहीं होगा आपको? देखिए, इनकी जो भी भीड़ है ये मंगाई हुई भीड़ है। अखिलेश जी फार्चूनर से चलते हैं और फार्चूनर की व्यवस्था करके कार्यकर्ताओं को फार्चूनर से मंगाया जाता है भीड़ दिखाने के लिए। ये भीड़ इनके पास है नहीं। ये लोग पहले सवाल उठाते थे, मंदिर कब बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अरे, मंदिर भी बना दिया और तारीख भी दिखा दिया और पूजा करने के लिए आपको बुला भी रहे हैं। आपके साथी संजय निषाद जी ने कहा है कि 17 तारीख को जो रैली होगी उसमें हम निषाद समाज के लिए आरक्षण की बात को भी उठाएंगे। देखिए, आप लोग भी कुछ ऐसा कर रहे हैं क्या? देखिए, माननीय मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास, तो हम लोगों को भरोसा है। ठीक है, चूंकि बीजेपी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, उसमें एक साधारण कार्यकर्ता अध्यक्ष पद तक जाता है, बाकी इन दलों में जो प्राइवेट लिमिटेड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बीजेपी के प्रवक्ता बन के बैठे हुए हैं। वॉल राइट, कोई बात नहीं, मैं आता हूं आपके पास। बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, हम अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वापस आता हूं। और इस सिस्टम में बताना जरूरी है। ठीक है, मैं, अगर बीजेपी ने जो कार्य किया है उसको हम सकारात्मक तौर पे उसको एहसास करें और उसको हम स्वीकार करें। ठीक है, सिद्धार्थ राजभर हमारे साथ हैं सुभाषपा से। सिद्धार्थ भाई, सुना आपने किस तरह से अजय, नमस्कार अजय जी, क्या कह रहे हैं आप लोगों के लिए? दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहूंगा कि पूर्वांचल में जिस तरह से बीजेपी खुद को मजबूत करने में लगी हुई है, लोकार्पण, शिलान्यास, उद्घाटन, इस तरह के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, जनता को सौगातें दी जा रही हैं और काम बताया जा रहा है कि हमने 5 साल में क्या काम किया है, जो काम दिख भी रहा है, जैसा कि आज काशी विश्वनाथ में देखा गया कि कितनी भव्य और सुंदर दिख रही थी काशी विश्वनाथ, तो इन कामों के बीच में आप लोग किन मुद्दों को लेकर आएंगे? क्योंकि आप तो सपा के साथ हो गए हैं और अजय जी कह रहे हैं कि जहां अखिलेश जी की नहीं चलती उनके साथ अगर आप उनकी गोद में जाकर बैठे हैं तो आपकी कहां चल पाएगी? अभी कुंवर वीरेंद्र जी बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है। पहले ये कंफर्म हो जाए कि अपने दल के प्रवक्ता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। अब तो पूरे हो गए ना, अभी ये बता रहे थे, इन लोगों को अहंकार भी बता रहा हूं, एक दोहा लिखा गया है इनको मैं बताना चाहता हूं, उनको अगर नहीं पता हो तो इनको याद कर ले। अहंकार में तीनों गए, धन वैभव व वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। मंदिर का उद्घाटन किया गया, मंदिर में भव्य उद्घाटन किया जा रहा है, मैं तो इसलिए बता रहा हूँ। बनारस जनपद में, मैं बनारस के रहने वाला हूँ, बनारस जनपद में शिक्षालय को बंद करके मंत्रालय खोल कर शिवालय का उद्घाटन किया जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी की राम राज्य है। बताइए, स्कूल को बंद करके
स्कूल बंद है, नहीं, शराब नहीं, की दुकान खुली है और मंदिर के उद्घाटन की जाती है। नहीं नहीं तो अनीता जी नहीं नहीं एक मिनट, अनीता जी कह रही हैं कि आप लोगों को तो हर चीज में नेगेटिविटी दिखती है, हम कोई भी काम करने जाए वहां पर आप लोग नेगेटिविटी ढूंढ के ले आते हो। काशी विश्वनाथ का उद्घाटन हो गया, वहां भी आप चीजें बता रहे हो कि गलत हो गया। भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, क्या शिक्षा बंद करके, शिक्षा की दुकान बंद करके, शराब की दुकान खोलकर मंदिर का उद्घाटन की जा रही है? शर्म नहीं आ रही भारतीय जनता पार्टी के लोगों का? ये बात करते हैं लोग, सबका सबका विकास की बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं। आप आज ये बनारस जनपद में किसी एक व्यक्ति को मजदूर परिवार को काम करने नहीं जाने दिया गया? अरे कैसी बात कर रहे हैं, आज पीएम मोदी मजदूरों के साथ बैठे हुए थे भाई, पीएम मोदी खुद आज मजदूरों के साथ बैठे हुए थे, उनके साथ खाना खाया, उनके ऊपर फूल बरसाए उन्होंने। उसमें उसे बनारस जनपद में 23 करोड़ की आबादी है, बता दीजिए कौन था, कौन मजदूर था उनके साथ बैठा था? भारतीय जनता पार्टी। अनीता जी मैं आ रहा हूँ, इसी के बाद आप ही के पास आऊंगा, जवाब लूंगा अनीता जी मैं आपके पास आऊंगा। बता दो, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ सिद्धार्थ, आ रहा हूँ, सुन लीजिए सिद्धार्थ, सुन लीजिए फिर आ रहा हूँ। असल में इनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, ये फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि कैसे क्या करें हम लोग। हाँ। कुछ ना कुछ इनको निकालना ही है, कभी कुछ कह देंगे मंत्रालय कह देंगे, कभी कह देंगे स्कूल बंद है, कभी कह देंगे ये कुछ भी बोल देंगे, कभी ये नहीं कहेंगे कि हाँ विकास काल बहुत हो गया, क्योंकि जनता देख रही है ना। तो दिक्कत क्या है, ये लोग क्यों बोला करते हैं ऐसा? मैम कैसे जनता की आंख में मिट्टी डाल देंगे? नहीं इनकी दिक्कत क्या है, देख रही है ना। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बनारस जनपद में स्कूल क्यों बंद किया गया और शराब की दुकान क्यों खोली गई, ये बता सकती हैं? ये जवाब दे सकती है भारतीय जनता पार्टी कोई नेता इसका जवाब दे सकता है कि स्कूल बंद करके शराब की दुकान खोल कर मंदिर का उद्घाटन क्यों किया गया है? इसका जवाब कौन देगा? ये बताते हैं भारतीय जनता पार्टी राम राज है। मैं जानना चाहता हूँ, बनारस की 23 करोड़ जनता जानना चाहता है। आज प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था, वहाँ पे भीड़ भड़कते हैं, आज के लिए बंद किया गया था, बाकी नहीं बंद है, स्कूल सब खुल रहे हैं, सब जा रहे हैं, सब आ रहे हैं। जब प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचे हैं तो आज उसके कारण उत्तर प्रदेश में एक भी कल कारखाना लगाया हो तो बता दीजिए, एक भी डिग्री कॉलेज खोला हो तो बता दीजिए, तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना है उससे क्या विकास नहीं होगा? एक भी आईआईटी कॉलेज खोला हो तो बता दीजिए, एक भी आईटीआई कॉलेज खोला हो तो बता दीजिए। सिद्धार्थ आप बताओ मुझे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना है उससे क्या काम नहीं होगा? हॉस्पिटल का निर्माण हम कर रहे हैं, स्कूल का निर्माण हम कर रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट हम लगा रहे हैं, दवाइयां जन औषधि में हम दे रहे हैं, सड़के हम बनवा रहे हैं, शौचालय हम बनवा रहे हैं, आवास बनवा रहे हैं, सब सारी योजनाएं अनाज बांट रहे हैं, सारी योजनाएं जब नीचे तक लागू हो रही है, इनके पास काम करने लायक तो बचा नहीं ना, कुछ कहने लायक बचा है? ठीक है, ठीक है मैम, क्या बचा? यही बचा, विरोध करो, विरोध करो, मोदी जी का विरोध करो, योगी जी का विरोध। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है, इनके पास बचा ही क्या है? ठीक है मैम, ठीक है, ठीक, मैं आ रहा हूँ। हाँ सिद्धार्थ अपनी बात पूरी कीजिए, अजय जी भी कुछ। अगर जनता का काम किया होता, अपराध महंगाई कम किया होता, कोरोना में लोगों को दवा इलाज ऑक्सीजन दिया होता और बहन बेटियों को सुरक्षा दिया होता, बेरोजगार नौजवान रोजगार को रोजगार दिया होता, तो आज ए साहेब हिंदू हिंदू न चिल्लाते। आज जो हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हैं, ये हिंदू हिंदू न चिल्लाते, इनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है, इसलिए इनको हिंदू हिंदू याद आ रहा है। जब चुनाव आता है तो हिंदू हिंदू चिल्लाने लगते हैं, हिंदू का चूल्हा पहन के चलने लगते हैं भारतीय झूठ पार्टी के लोगों ने। मेरे भाई आप ओवैसी को गले लगाते हो, तभी ओवैसी का 2022 में, 2022 में सुभाषपा जातिवार जनगणना महंगाई नौजवान शिक्षा स्वास्थ्य के मैदान को लेकर सरकार बनाएगी। सामने है, हम किसी को गले नहीं लगा रहे, किसी ओवैसी जैसे लोगों को, हम जो सामने है जो भारतीय है, जो देश हित की बात करता है, देश हित की, ठीक है, किसी भी जात धर्म का हो। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या जरूरत थी शराब की दुकान खोलकर, स्कूल बंद करके मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है? ये पूछना चाहता है देश, भारत देश पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का जनता पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश को योगी सरकार नहीं योग्य सरकार चाहिए, योग्य सरकार चाहिए। देखिए सिद्धार्थ अजय भाई कुछ कह रहे हैं, ये मैं सिद्धार्थ जी से जानना चाहता हूँ,
ये आपके पार्टी का अध्यक्ष कौन है, महासचिव कौन है, प्रवक्ता कौन है मुख्य? अनीता जी मैं आ रहा हूँ, प्लीज मैं आ रहा हूँ, सवाल ले लीजिए। सिद्धार्थ राजभर महासचिव नहीं बन सकते? सिद्धार्थ राजभर महासचिव नहीं बन सकते क्या? आप पहले अपने अपने पार्टी के प्रवक्ता है कि बीजेपी के प्रवक्ता है? नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपकी पार्टी और बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं शोषित समाज पार्टी का प्रवक्ता हूँ, जिसके नेता हमारे बाबूलाल राजभर हैं। मैं बीजेपी आपको कुछ दे दिए क्या? बीजेपी हिस्सेदारी मोर्चा का अंग हूँ। अध्यक्ष से पूछिए, बाबूलाल राजभर जी से पूछिए, अपने अध्यक्ष जी से पूछिए, बीजेपी कुछ सुझा दिए क्या? हमारे नेता बाबूलाल, बीजेपी कुछ सुझा दिए क्या? सच सुनना सीखिए, बाबूलाल राजभर है। प्लीज और हम बीजेपी कुछ सुझा दिए क्या? देखिए ये तो आपको ये तो अच्छी बात है सिद्धार्थ जी, ये तो अच्छी बात है। आपके नेता का स्टिंग ऑपरेशन पकड़ा गया था, वो मालूम है कैसे सुंघाया जाता है, तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कैसे सुंघते हैं और कैसे सुंघाया जाता है। तो क्या लग रहा है सप्पा ने कुछ उधर से सुंघा दिया क्या आप लोगों को, या कुछ एक्स्ट्रा दे दिया? सुंघना होता ना, हम लोग को सुंघना होता ना, भारतीय जनता पार्टी को लात मार के नहीं आता हम लोग, भारतीय जनता पार्टी को नहीं, आपकी दाल नहीं गली, बीजेपी में बीजेपी में आपकी दाल नहीं गली, बीजेपी में आपकी दाल नहीं गली, पद को लात मार के आया है। नहीं नहीं, आप बीजेपी में आपकी दाल नहीं गली, आप शिवपाल का पैर पकड़ के सपा में गए। अरे जाके पूछिए जी जी, 2017 के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछिए। आप अपनी बात को थोड़ा सा समझ कर बताइए, बीजेपी में आपकी कोई पूछ नहीं रहा और सपा में भी अब आपकी पूछ नहीं है। आप खिला गए, आप सपा में भी खिला गए, सपा में भी आप बता रहे थे, अभी आप बता रहे थे कि जनता बुलाई हुई है, अभी आप बुलाए बता रहे थे ना। जी जी जी, आपको साबुत दूं जनता किसके साथ है, उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ जनता किसके साथ है, इस समय बताएगा आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग बात बहादुर हैं, केवल बात करते रहिए, आप लोग बात बहादुर हैं, केवल बात करते रहिए, केवल बात करते रहिए, आप लोग बात बहादुर हैं, ऐसी बात नहीं है, आप लोग बात बहादुर हैं, बात उनको देखते रहिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सिद्धार्थ, ठीक है ठीक है, मैं आ रहा हूँ आप लोग के पास आ रहा हूँ। गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं साथ में। गौरव जी, उत्तर प्रदेश का चुनाव है और पूर्वांचल को लगातार समेटने की कोशिश करी जा रही है लगभग सभी राजनीतिक दलों की तरफ से। आप अभी कुछ दिनों पहले पूर्वांचल के दौरे पर भी गए थे, कई जिलों में आपने देखा कि स्थितियां क्या है, क्या आपको लग रहा है किसकी सरकार बन सकती है, किसका माहौल बन रहा है? ये सवाल नहीं पूछूंगा मैं ये पूछूंगा कि अभी की स्थिति क्या है, अभी क्या मुद्दे चल रहे हैं पूर्वांचल में जनता के बीच में, और क्या लगता है इस बार कि मुद्दों पर ही चुनाव होगा या फिर एक बार कुछ अन्य चीजें आएंगी और पूरा चुनाव पलट जाएगा? सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूर्वांचल की जो सीटें हैं, 156 सीटें वहां पर हैं, उन सीटों के हिसाब से पूर्वांचल बहुत महत्वपूर्ण है। और उत्तर प्रदेश का जो 2022 का जो चुनाव है वो हर मायने से महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये चुनाव तो गठबंधन चुनाव के रूप में तब्दील होता जा रहा है। जहां पर एक तरफ सपा गठबंधन चल रहा है तो दूसरी तरफ भाजपा गठबंधन चल रहा है, और चलना भी चाहिए, चुनाव है, क्योंकि चुनाव में जीत ही महत्वपूर्ण होती है। गठबंधन भले ही कोई भी हो पर यहाँ पर मुख्य भूमिका होती है वो जीत की होती है। बड़ा चुनाव में सीटें ज़्यादा है, और अगर पूर्वांचल में अगर आपने सीटें फतेह कर ली या पूर्वांचल में बीजेपी ने पुराना इतिहास दोहरा दिया तो बीजेपी को यहाँ गवर्नमेंट बनाने में कोई रोक नहीं पाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि पूर्वांचल में सभी दल अपनी तैयारी कर रहे हैं कौन बेहतर होगा। पर सबसे बड़ी बात नितिन जी ये है कि हमको राजनीति से हटके कुछ मुद्दों की तारीफ करनी चाहिए। अगर कुछ काम पूर्वांचल में के लिए बेहतर हो रहा है तो सबसे पहले एक विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो कोई भी हो, एक आम आदमी होने के नाते उस काम की तारीफ करनी चाहिए। सिद्धार्थ अभी क्यों बोल रहे हैं? मेरी बात सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आप एक नेता हैं, एक और नेता जनता का प्रतिनिधि होता है, तो सबसे पहले आप जो काम हुआ है, अगर आप खराब काम की बुराई करते हैं तो अच्छे काम की तारीफ करने की आदत भी आप लोगों को डालनी चाहिए। सबसे बड़ी हिंदुस्तान की राजनीति में यही समस्या है। अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है तो उसकी तारीफ करिए, अगर कोई कमियां तो बताइए और अच्छा बेहतर हो सकता है, पर जो बेहतर हुआ है उसकी तारीफ करना आवश्यक है।
यही जनता के प्रतिनिधि की एक आदत होनी चाहिए और ये बहुत जरूरी है। और कोई चीज खराब हो रही है तो उसका भी आपको विरोध करना चाहिए। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जनता के मुद्दों की बात कोई नहीं करता है, कि जनता में अगर कोई समस्या है कोई नहीं मतलब नहीं है। कोरोना में कितने लोगों ने क्या काम किया सबको पता है। अच्छा, ये अजय जी को क्या हुआ है आज? पूरा मतलब बीजेपी के बारे में ही बता रहे हैं कि बीजेपी अजय जी तो चूंकि हिस्सेदारी मोर्चा में उनकी जो पार्टी है वो बीजेपी से उनका गठबंधन हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी भी नीतियां हैं। और जब नीतियां विचारधारा एक होती है तभी गठबंधन होता है, और जब विचारधारा एक हो जाती है तो विचारधारा एक होके पर एक ही पक्ष की बात करती है। इनकी इनकी भी अपनी मांगे होंगी, उन पर कोई राय बनी होगी या कोई इनकी कोई विचारधारा होगी। हाँ, तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसी मांगे होंगी, कुछ विचारधारा ऐसी होगी जिस पर सामंजस्य बैठा होगा तभी गठबंधन होता है। और अगर मैं SBFC की बात करूं, तो अगर ओमप्रकाश राजभारी जी की बात करूं तो पहले वो सतपाल जी से भी मिले, OBC से भी लगातार मिलते रहे, फिर उनकी मुलाकात चंद्रशेखर जो आजाद हैं आपके भीम आर्मी के उनसे मुलाकात हुई, फिर बीच में उनकी मीटिंग रही तो उन्होंने विकल्प सब खोल दिए कि माँ मैं पूरे विकल्प खोल रहा हूँ, कोई भी आप अगर जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है, मैं विकल्प खोल रहा हूँ, मैं समय दे रहा हूँ। और आदमी में आखिरी में आके फिर आखिरी में आके फिर समाजवादी पार्टी से वो जुड़ जाते हैं। वो देखिए वो अलग विचारधारा क्या है क्या नहीं है, पर राजनीति है, राजनीति में हर आदमी अपने विकल्प खोल के रखता है। सिद्धार्थ जी खुद सुन लीजिए, अपने विकल्प खोल के रखता है। मैं एक पत्रकार हूँ, पत्रकार होने से मैं अपनी बात रख रहा हूँ, तो जो बेहतर हुआ है उसकी तारीफ करने की आदत डालनी चाहिए। और जब अगर आप राजनीति को देखते हैं, पूर्वांचल की राजनीति बहुत महत्वपूर्ण नितिन जी, और जो पार्टी वहां के जन मुद्दों को हल करेगी, उसका निराकरण करेगी, बेहतर करती नजर आएगी, निश्चित रूप से वही पार्टी पूर्वांचल में 156 सीटों में या फिर पुराना इतिहास दोहराएगी या फिर नया इतिहास बनाएगी। ठीक है, हाँ सिद्धार्थ क्या कह रहे थे? सिद्धार्थ राजभर जी कुछ कह रहे थे? आवाज आ रही? मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, मेरे सवाल का जवाब दे दी, क्या मंदिर का उद्घाटन स्कूल बंद करके शराब की दुकान खोल के किया जाता है? भारतीय जनता पार्टी के लोग बता सकते हैं। पहले आपको अपना नॉलेज बढ़ाना होगा कि जहां पीएम आते हैं सुरक्षा के दृष्टि से क्या क्या किया जाता है, नॉलेज पहले आप बढ़ा लीजिए। जो भी लोग विश्वनाथ कॉरिडोर के बगल में शराब की दुकान खोल दी गई है और वही स्कूल बंद कर दी गई है। अरे बताइए तो सही, पार्टी की रामराज है, जनता समझ रही है। 2022 में खदेड़ा हो बे अच्छे तरह से जवाब देगी जनता। उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता अच्छे तरह से जवाब देने के लिए तैयार है, इंतजार कर रही है सब्री से। कोई मुद्दा बचा नहीं है, शिक्षा के सवाल पे आगे बात कर ले, रोजगार के सवाल पे आगे बात कर ले, इनके पास कोई जवाब नहीं है। नितिन जी इनके पास कोई जवाब नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, एक ही बात को बार बार गाए जा रहे हैं, स्कूल बंद हो गए। इनसे पूछो कौन सा स्कूल बंद हो गया, कौन सी शराब की दुकान खुली? मैं सोच रहा हूँ पूछ लो, बहुत देर से सिद्धार्थ बोल रहे हैं स्कूल बंद, बता दे जरा हमें किसने शराब की दुकान खोल दी, किसने स्कूल बंद करा दिया, बताए तो सही, बोले तो सही, खाली एक ही रट्टा लगाए जा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ और मुद्दे पे रहते हैं हम लोग। हाँ सिद्धार्थ, अजय जी पूछ रहे हैं कि कौन सा स्कूल बंद हो गया, क्या आपको भी स्कूल जाना था क्या आज? क्या इनके घर में बच्चे नहीं है क्या? ए भी योगी और योगी जी और मोदी जी रहे क्या? अरे कौन सा स्कूल बंद हो गया बताएंगे आप? सिद्धार्थ जी मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, कुछ बताएंगे? अगर स्कूल में एक दिन छुट्टी हो गई या दुकान एक दिन बंद हो गई तो इसमें क्या दिक्कत हो गया आपको? क्या दुकान? अरे तो भैया मैं तो ये जानना चाहता हूँ, ठीक है स्कूल बंद कर दिया गया तो मंदिर, अरे भाई हम यहाँ स्कूल का चर्चा करने नहीं बैठे हैं, मंदिर से नफरत, मैं यहाँ स्कूल पे चर्चा करने नहीं बैठा हूँ भाई। नफरत क्यों इतना आप लोग? ये भी उत्तर प्रदेश या देश का दुर्भाग्य है कि जब स्कूल पे चर्चा करो नहीं, इतना बड़ा कार्य कैसे हो गया? अनिता जी मैं ये कह रहा हूँ, क्यों कर दिया गया? बहुत परेशान, जब हम स्कूल पे चर्चा करते हैं तो राजनीति मुद्दों पर चर्चा होने लगती है, जब राजनीति मुद्दे पर चर्चा होने लगती है स्कूल पे चर्चा हो रही है। गुजरातियों के हाथ में चला गया, यहाँ के पुजारियों के साथियों के दुकानदार, प्लीज वन बाय वन प्लीज।
बनारस की चकाचौंध देखे पकड़ा गए हैं, बनारस के रहने वाले की चकाचौंध देखे पकड़ा गए हैं। जनपद को तो बेच दिए, इतनी चकाचौंध गुजरात बनारस में बेच दिए, ऐसे लग रहा है कि सच में काशी बता दिया ना, ये देश का प्रदेश के राजा व्यापार हो जाए, देश का सर्वनाश होने में कोई रोक नहीं सकता। इससे परेशान हो गए कि क्या हो गया, ये कैसे हो गया, इनको बहुत दिक्कत, क्योंकि बनारस के ना चकाचौंध से परेशान हो गई है वहाँ की। अच्छा वो सब छोड़िए, वो सब छोड़िए भाई, ये बताइए, छोड़िए छोड़िए, प्लीज 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 प्लीज, लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं, दूरबीन वाला काम नहीं चलता है, लड़ाई नहीं प्लीज। आगे बनारस को छू के देख लीजिए कि कितना बनारस हो गया है। ठीक है ठीक है, हाथ चला गया है, सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना गया है। कोई बात नहीं जनाब, आप परेशान मत होइए, जनता अच्छे से देख रही है, आप बनारस के रहने वाले हैं, आप बहुत परेशान हो रहे हैं। लिमिटेड कंपनी हम परेशान नहीं है, भारत देश की जनता ये देख रही है, आप लोगों को आप लोग के रहने वाले हैं। जब आप 2022 में जवाब देने के लिए उत्तर प्रदेश लिमिटेड कंपनी है, देखिए ऐसे किसी की आवाज नहीं आएगी ना, किसी के बारे में हम सुन पाएंगे कि क्या कौन कह रहा है। प्लीज वन बाय वन जाइए, काशी विश्वनाथ मंदिर में मत्था टेक आइए, जाके परेशान ना होइए। ठीक है अनिता मैम, अनिता जी, अनिता जी होके आइए, दर्शन करके आइए। ठीक है ठीक है, प्लीज अनिता जी मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ आप लोग के पास। काशी जी हमारे घर में है, आप आके देख लीजिए, भगवान काशी विश्वनाथ तो हमारे घर में है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सिद्धार्थ 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 भगवान विश्वनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं, आप लोग देख लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है प्लीज 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 वन बाय वन, सिद्धार्थ 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 सिद्धार्थ, एक वो भी मंदिर के भव्य मंदिर। ठीक है अनिता जी, अनिता जी अच्छा नहीं लग रहा, बनारस का व्यक्ति इतना परेशान हो गया, उसको मैं आ रहा हूँ, अनिता जी मैं आ रहा हूँ, इतना परेशान अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है प्लीज 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 सिद्धार्थ जी, इतनी बढ़िया हो गई। सिद्धार्थ भाई एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है, सुनिए सुनिए, अरे सवाल तो लीजिए भाई, सिद्धार्थ भाई सवाल, अरे भाई भारत के ही हैं, भारत के बाहर के नहीं। ठीक है प्लीज प्लीज प्लीज, हो गया हो गया हो गया, आप गुजराते गुजराते सिद्धार्थ भाई भारत के हैं। ठीक है प्लीज 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 प्लीज, प्रधानमंत्री हैं। ठीक है सिद्धार्थ जी ये बताइए, अरे सिद्धार्थ भाई सवाल तो ले लो आप मेरा, आप मेरा खरीदने के लिए दो, अरे सवाल तो भाई ले लो सिद्धार्थ जी, आप सिद्धार्थ जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि पूर्वांचल में किन मुद्दों के साथ इस बार आप समाजवादी पार्टी के साथ आएंगे, मैं ये सबसे अहम सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, जो कि जनता का मुद्दा है और जनता के सवाल है। देखिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जातिवार जनगणना, महंगाई, नौजवान, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के साथ सरकार बना रही है। अच्छा बना भी रही है, जो जी जो अजय जी क्यों कह रहे हैं बीजेपी बना रही है, उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ जनता को मूर्ख बनाते हुए आ रहे हैं। सिद्धार्थ जी दिन में सपना देख रहे हैं क्या, 2017 नहीं आप कह सकते हैं, वो नहीं कह सकते, 2017 अजय जी कितने विधायक थे लाल के हसीन, आप बीजेपी के साथ आ गए 2012 में, क्या रियल थी भारतीय जनता पार्टी की, 2017 भारतीय जनता पार्टी की, बनारस में रहने वाला हूँ मैं, बनारस की रहने वाला हूँ, बनारस से बता रहा हूँ भाटिया जी, भाटिया जी इनसे पूछना चाहता हूँ, ये बता दीजिए, ये बता दे बीजेपी, अरे छोड़िए अस्तित्व में लोग, कौन नेता इनको नाम लीजिए, भारतीय जनता पार्टी आप लोगों को ने काम किया है, लोगों को झुकाने काम किया है, लोगों को बदलाने काम किया है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने में नंबर एक है। तो ठीक है राज, हम ये आपसे कह रहे हैं सिद्धार्थ जी, आपके नेता 2017 से पहले कितने बार हारे हैं? अच्छा कैसे हार जाएंगे, नहीं 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 अजय भाई, अजय भाई हमें ये बताइए कैसे हार जाएंगे, अरे सुनिए दो, अरे नहीं हार सकते, वो कह रहे हैं बिजली मुफ्त देंगे सरकार में आएंगे तो, अपन सीट तो बचा लग, भारतीय जनता पार्टी के 10 सीट दे देता हूँ, पहले तो क्लियर कर ला, भारतीय जनता पार्टी गोद में बैठ के कुछ लेके बैठा हुआ लोग, ऐसा कितने सीट पे आप लड़ेंगे, ऐसा किन सीटों पे लड़ेंगे, हम चीज की बात बताइए, ओम प्रकाश राजभर की बात छोड़िए, ओम प्रकाश राजभर को तुलना करना बहुत जमीन आसमान का फर्क है, हम पहले आप सीटों पे भी लड़ेंगे, हम जिन सीटों पे लड़ेंगे वहाँ हराएंगे आपको, और सबसे बड़ी बात ये है बताएगा, अब सबसे बड़ी बात ये है कि आपके नेता अपना सीट से बाहर रहे हैं,
आसमान में थूकने वाली बात मत कीजिए, आसमान में थूकने वाली बात मत कीजिए, ये तो की पानी की पानी हो जाएगा। अच्छा ये बताइए अजय जी, अजय जी ये बताइए अजय जी, सभी से जनता ठीक है, सिद्धार्थ मैं आ रहा हूँ, अजय जी ये बताइए क्या हो गया भाई ऐसा, आप लोग तो साथ में थे, अचानक से इतना सब कुछ, इतनी गर्मा गर्मी, इतनी लड़ाई काहे के लिए भाई? देखिए भागीदारी संकल्प नहीं, आप तो ये कह रहे कि हम बिजली भी मुक्त देंगे, संकल्प मोर्चा बनी थी 10 दलों को मिलकर। हाँ। अब बाप बेटा अलग होकर के जाके किसी के गोद में बैठ गए, बाकी भागीदारी मोर्चा को जो कहते हो उनको अपने हालत पे छोड़ दिया, तो क्या हम लोग अपने हालत पे मरने वाले हैं? कब तक भरमा के रखेंगे लोगों को? हाँ। पार्टियों को कब तक भरमाओगे आप? सच्चाई एक न एक दिन सामने आएगी। आप बाप बेटा गए और दूसरे के गोद में बैठाए, बाकी पार्टियों को आपने जहन्नम में छोड़ दिया, तो क्या बाकी पार्टियों का कोई हक नहीं है? अब बाकी पार्टियों से यही नाराजगी है ना जी। ठीक है सिद्धार्थ, आप कितने लोगों को धोखा दोगे? इन पार्टियों को आपने धोखा दिया, ये क्या आरोप लगा रहे हैं? देखिए हमारे जो नेताजी थे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर साहब, उन्होंने जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया था उनका एक ही मकसद था कि हमको भारतीय जनता पार्टी को हराना है, देश प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को 2022 में उखाड़ फेंकना है। लेकिन इन लोगों ने, इन लोगों की चापलूसियां जो रही, भारतीय जनता पार्टी के करीब जाते रहा, और हमारे नेता काम था कि हमको किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध चुनाव लड़ूंगा, और इन लोग उनके पास जाते रहे, इन लोग उनके पास जाते रहे। भागीदारी संकल्प मोर्चा के जो संयोजक थे, भागीदारी संकल्प मोर्चा के संयोजक बाबू सिंह कुशवाहा को आपने क्यों छोड़ दिया? ओबैसी जी को आपने क्यों छोड़ दिया? बिंद को आपने क्यों छोड़ दिया? प्रजापति को क्यों छोड़ दिया? प्रजापति कहां गए हैं? प्रजापति कहां गए हैं आप बता सकते हैं? आपने बिंद को क्यों छोड़ दिया? के लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ छोड़ा है आप जैसे लोग, दोबारा पुनः जनता को बरगलाने के लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ छोड़ा है, लेकिन आप लोग का चलने वाला नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की जनता ठान ली है, 2017 पहले जो आपकी स्थिति थी उस स्थिति में आपकी पार्टी आने वाली है। 2017 से पहले जो स्थिति थी देख लीजिएगा, उसी स्थिति में आने वाले देख लीजिएगा। अखिलेश आपको चार सीट देने वाले नहीं है, ये आप आपके नेता है। आपके नेता 2017 से लेके आज तक 10 पार्टी गठन किए, और किस पार्टी के रनिंग कर रहा है उस पार्टी के नाम बता दीजिए आप। आपके नेताजी के बारे में बता रहा हूं, 2017 से लेके अभी तक किसके बारे में आप बता रहे हैं? 10 पार्टी गठन किए। आप किसके बारे में बता रहे हैं? 10 पार्टी गठन किए, कभी भारतीय जनता पार्टी गोद में, कभी कांग्रेस के गोद में, कभी किनके गोद में, कभी किनके गोद में, जहां दूध मिल गया बैठ गए आपके नेता। ये बातें तो केवल एक आदमी के लिए ठीक करता है, कौन किसकी गोद में बैठेगा, कौन किसकी गोद में बैठेगा, मुझे उससे नहीं लेना देना है, कभी इसके गोद में कभी उसके। नहीं 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 ठीक है, कोई किसी की गोद में बैठे भाई, कोई किसी गोद में बैठे, मुझे उससे नहीं मतलब है, मुझे उत्तर प्रदेश की जनता की बात को उठाना है। अनिता जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। 2022 में जातिवार जनगणना, महंगाई, नौजवान, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे पर भारतीय समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। ठीक है ठीक है अनिता जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश का चुनाव है और अब क्या आगे की रणनीतियां आप लोगों की है, क्या तैयारियां? देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि हम जो है, हमारे मुद्दे सबको मालूम है, हम जनता के साथ है, जनता हमारे साथ है, हमने अंत्योदय तक निचले स्तर तक काम किया है, लोगों को आवाज दिए हैं, लोगों को आयुष्मान योजना दी है, लोगों को जन औषधि दिया है, लोगों को गैस सिलेंडर दिए हैं, लोगों का काम किया और हमने विकास कार्य को आगे बढ़ाया है, राशन पानी दिया है, कोरोना काल में सबकी मदद की है, हॉस्पिटल खोले हैं, ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं, जनता की जरूरतों को पूरा किया है और सबसे रोजगार दिए गए हैं, सबसे ज्यादा नौकरियां हमारी ही सरकार में दी गई हैं, सबसे ज्यादा हमारे महिलाओं के लिए काम हुआ, अपराध मुक्त हमारा उत्तर प्रदेश हुआ है, अपराध कम हुए हैं,
लोगों को कम से कम आज भरोसा है योगी जी पे, मोदी पे, उसी भरोसे के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता के बीच में जाएंगे। जनता पूरी तरीके से जानती है और बाकी इस तरह के बहुत सी पार्टियां आती हैं, जाती हैं, देखी जाती है, लेकिन सबको मालूम है काम कौन कर रहा है, अपने स्वार्थ के लिए काम कौन कर रहा है, परमार्थ के लिए काम कौन कर रहा है, कौन काम जनता के लिए कर रहा है, कौन काम अपने लिए कर रहा है। ये ऐसी पार्टियां हैं जो अपना विकास कर रही है। देश का नाम रोशन करते हैं, देश को नंबर एक पे लाना चाहते हैं, ये हमारा कार्य है। इनका काम केवल अपना विकास करना है और इनका काम केवल एक है, योगी मोदी का विरोध करो, जितना चाहे उतना करो, ये अपने विकास के लिए आए हैं, ये जनता के विकास के लिए नहीं आए। इसीलिए कभी किसी की गोदी में, कभी किसी की गोदी में, कभी किसी की गोदी में जा बैठते हैं कि किसी तरीके से हम चुनाव को जीते। हम चाहिए नहीं मालूम है कि इनको आज इनका अस्तित्व इसीलिए है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, इसीलिए इनका अस्तित्व उभरा है, इसीलिए इनको ये नहीं मालूम। हमने हमेशा सबके मदद की है, हर एक की मदद की है, क्योंकि हम अंत्योदय तक जब वो किसी पार्टी के, हम उनको भी, उनका भी साथ दिए, लेकिन जब जोर से ज्यादा महत्वाकांक्षी लोग हो जाते हैं तो उनका यही हाल होता है। अच्छा, कल को मैडम ये अजय जी इनकी पार्टी भी उठ जाएगी और फिर अलग होके ऐसे आवाज उठाएगी तब? देखिए, ऐसा मैंने क्या कहा, हम अपना काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। जो ज्यादा महत्वाकांक्षी भारतीय जनता पार्टी हमारा काम है। हमने अगर दोस्ती की है तो बनाने के लिए की है, लेकिन ज्यादा महत्वाकांक्षी अपने आप दोस्ती को खत्म कर देती है। इनकी अति महत्वाकांक्षी इनको ले गई। ठीक है, अजय जी कुछ कह रहे थे, लास्ट 30 सेकंड है आपके पास, जल्दी से अपनी बात। जी, हमारा मानना है, हमारा शोषित समाज पार्टी राष्ट्रवादी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बाबूलाल राजभर जी हैं, हमारा मानना है कि शोषित समाज के जो भी व्यक्ति हैं, चाहे वो जिस जाति से, जिस धर्म से, जिस मजहब से हों, जो शोषित वर्ग के लोग हैं, उनको सामाजिक न्याय दिलवाया जाए। और इस उद्देश्य से हम लोगों ने बीजेपी से गठबंधन किया है, हिस्सेदारी मोर्चा के रूप में, और हम चाहते हैं कि बीजेपी सरकार से मांग करके हम शोषित समाज के अंतिम व्यक्ति तक उनको न्याय दिलाने का कार्य करें। केवल शोषित समाज, शोषित समाज के लोगों के नाम पे अपने परिवार का विकास करना ही हम अपना लक्ष्य नहीं मानते। भारतीय जनता पार्टी ने 10% सवर्णों को आरक्षण दे दिया, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने 10% सवर्णों को आरक्षण दे दिया, हम उसका विरोध नहीं करता हूँ। उनसे जो गरीब है उनको आरक्षण आज तक सरकार क्या दी है? आज मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, या भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो उन सवर्णों से गरीब है सरकार आज तक क्या दी है? ज्यादा महत्वाकांक्षी मत बनिए, ज्यादा महत्वाकांक्षी मत बनिए, जनता के लिए काम करिए। ये जातिवादी पार्टियों के नाम पे परिवार का विकास करना, ये सबसे बड़ी शोषित समाज जातियों के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात। काले कारनामा सबके सामने आ चुका है, चलिए कोई छुपने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ जनता देख चुकी है, दूध का दूध पानी का पानी होगा और परिवार का विकास होगा, केवल एक परिवार का विकास होगा, लेकर भगाया जाएगा। ठीक है, ठीक है, समय कम है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल को मजबूत करने में लगातार लगभग सभी राजनीतिक दलों ने कमर कसी हुई है। जो दौरे हैं, जो रैलियां हैं, जो लोकार्पण है, जो शिलान्यास है, जो उद्घाटन है, उनकी जो रफ्तार है वो काफी तेज हो चुकी है, क्योंकि पूर्वांचल वो जगह है जहां से उत्तर प्रदेश की कड़कड़ में राजनीति दिखती है। और इसके साथ ही ये पूर्वांचल वो जगह है जहां से बीते चुनावों में बीजेपी को अच्छा खासा सपोर्ट मिला है। तो इस बार का गणित क्या होगा, क्या इतिहास पलटेगा या फिर एक बार फिर से इतिहास अपने आप को दोहराएगा, ये देखना है। मैं आज की डिबेट में इतना ही, अमित जर्मती, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।